Hello dear students, in today's video we will find out the value of square root of 3136 with the help of prime factorization method. Okay, तो सबसे पहले हम इस नंबर के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स और उन्हीं प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर लेंगे इजीली. ओके, तो स्टार्ट करते हैं 2 से. 2 वन से 2, 2 फाइव The 10, okay, 2 6 are 12, and 2 8s are 16, okay, 2 7s are 14, okay, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 2s are, okay, 2 1, 2 9, 2 6, 2 9, 2 8, 2 4, 9, 7, 7, 1 10. ओके, तो ये है इसके प्राइम फैक्टर्स. अगर मैं ये कहूँगा आपसे कि इनके प्राइम फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, लाइक 2 से स्टार्ट करूँ और यहाँ 7 तक मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसके आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने थे. यहाँ पर वो नंबर क्या है जिसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने थे? 3136. ओके, और एक और चीज़, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो दो नंबर का थोड़ा सा ध्यान रखना. यहाँ पर आपको देखें पेयर बनते हुए नज़र आएंगे, इजीली पेयर बनते हुए नज़र आ रहे हैं. हर पेयर में देखिए दो नंबर है, इधर भी दो है, इधर भी दो है, और सेम नंबर है. ठीक है, पेयर का मतलब ही हुआ सेम. ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं. लाइक 2 into 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 square. मल्टीप्लाई करना है ना पूरा, तो यहाँ पर अलग अलग मैंने थोड़े से टुकड़े कर लिए इसके, एक तरह से ये कर लिए. ठीक है, इन प्राइम फैक्टर्स के. ठीक है, तो इसको मैं लिखने का तरीका चेंज कर दिया मैंने. बस है तो मल्टीप्लाई ही करना है सबको, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज किया. लाइक 2 into 2 into 2 अप टू 7 तक करते हैं. यहाँ पे 2 square पेयर मैंने बना के रख दिए सारे. ठीक है, 7 square. ठीक है, अब इसको एक साथ भी लिखा जा सकता है. कैसे? 2 into 2 into 2 into 7 का होल स्क्वायर, इस तरह से. ठीक है, अब इस स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पावर जो है हाफ हो जाएगी. मतलब अगर इधर 5 होता तो इधर क्या चली जाती पावर? 1/5 हो जाती, सिंपल. ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके, 8 7 ज़ा 56. सॉरी, इधर 1 बचेगा क्योंकि पावर तो इधर चलेगी 2, इधर कितना बचेगा? केवल 1 बचेगा. ऐसा मत कर देना कि 56 की पावर 0 कर दिया, तो ये क्या होता पता है? 1 होता. किसी की पावर अगर 0 है ना, कोई भी संख्या है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, ये मत करना. ठीक है, तो अब इस हाफ पावर को ही हम लिखते हैं स्क्वायर रूट. ठीक है, 56 to the power 1, 56 ही रहेगा. मतलब 56 एक ही बार लिखा गया है. अगर 2 होता है तो 56 into 56 कर दे. 56 मतलब दो बार है मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे एक बार है तो एक ही बार लिख दिया, सिंपल है ना. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू 56 होगा. ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.